करो ना, सोते में किसी को इरिटेट करो, बड़ा मजा आता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपको एक तरीका दिखाने वाली हूँ, बड़े मजे का तरीका। ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सोया हुआ इंसान या मरा हुआ इंसान, क्या कह सकते हैं इसको गाइस, बताएं ये मरा हुआ है या सोया हुआ है, आप बताएं। इसके बारे में मैं आपको एक बता दूं। रुक जा तो उठें, बदतमीजी ना करो, मजाक नहीं होता, बकवास, मजाक नहीं होता हर वक्त। फारिश को भी जमी मिनी माऊं, आजा बुगड़ू, आजा बुगड़ू, इस बुगड़ू को लेके जाओ। चलो पोतो करो, यहाँ पे पोतो करो, जल्दी से पोतो करो, पोतो वाले बेटे बनो, पोतो वाले बेटे बनो। कुछ खाने को चाहिए? मिर्ची है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सोते में किसी को इरिटेट करो, बड़ा मजा आता है। आपने खानी है? हाँ तो डाउ मुझे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाए। क्या मम्मा? रो रो, चीखे मार मार के रो। गाइस आपने कभी किसी को ऐसे सोते हुए देखा? ऐसे पूरा मुंह पर दुपट्टा लपेट के, बेटा तेरे सांस नहीं आएगा, मैं चाहती हूँ तुझे सांस आए। क्या हो रहा है, बुखार हो गया? एक को उतरता नहीं, दूसरे को चढ़ जाता है। शक्ल दिखाओ अपनी पूरी, जरा मनहूस शक्ल। बुखार हो रहा है, क्या हो रहा है? लाइट बंद करो, मैं सो रही। जुआ हो रही है ना तुम्हारे सर में? इसके सर में जुए भी हैं, गंदी लड़की के बहुत सारी जुए हैं। दिखाओ ला, तीन जुए यहाँ बैठी हुई है, मुझे तो डर लग रहा है इनसे। सोते में तो आप बड़े प्यारे लग रहे हो, अपनी नाक तो दिखाओ जरा। अच्छा ये मुंह पे इतने बाल लेके सोने की क्या जरूरत है? अच्छा आप ऐसा करो, आप ये कुछ खाओ, नहीं आप सोते में खाओ, मैं जाती हूँ, आप कुछ खाओ, खा लो ना। ये भगवान क्या जुलुम है, शक्ल तो दिखाओ, आंखों में रोशनी नहीं लग रही। ये चीखें मारेगी ना अम्मी, मुझे बहुत मारेगी, इसलिए बस मैं थोड़ा सा ना आराम आराम से करी। थप्पड़ मारने का बड़ी बहन को, थप्पड़ खाने का बहन से। मुझे बुखार हो रहा है, पर नहीं आज बुखार हो रहा है, चक्कर है बुखार। आंख फाड़ती मेरी, मुझे ना मारियो, बहुत मरूंगी। गलती किधर? हाँ मेरे बाल छोड़, मेरे बाल, मेरे बाल छोड़। अच्छा मेरे पास है ना, मैं बुखार चेक कर रही। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात यार, मुझे इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे से खेलने कूदने में। करते किसी को इतना क्या नहीं करते किसी को इतना
करते लोग बद्दुआ दे देते हैं। मुझे अपने घर जाना है। मैं बद्दुआ नहीं देंगे कि भाई कुत्ती माँ मरेगी तो क्या करूँगी मैं? कुत्ती माँ मरेगी जलील होएगी, जलील होएगी कुत्ती की पड़ेंगे कुत्ती कभी अब मुझे नहीं आती अभी काल में। अब आप होश में आ गए, चले अब उठ के मुझे कुछ पका के दें, मुझे भूख लग रही है। फ्रूट चाट गिर चुकी बना देना जी मम्मा। तो गाइस ये है बड्डी के मल्टी विटामिन, डॉक्टर ने बोला था ना बड्डी को मल्टी विटामिन देना, बड्डी की ग्रोथ थोड़ी से मसला है, डॉक्टर ने बोला कि ये देने इसको पानी में घोल के, काफी देर इसको प्यासा रखना पड़ेगा क्योंकि पानी जो है वो फेंक देता है इसको। नहीं बिल्कुल जो बॉडी के मल्टीविटामिन्स मेरे में मल्टीविटामिन्स की कमी है। परीन कहती है ये मल्टीविटामिन्स मैं भी खा सकती हूँ, खा लो तुम वैसे भी कुत्ता बिल्ली हो तुम भी। और गाइस और हमने अपनी नन्नी के लिए जो हमारी मट्टो रानी है ना उसके लिए हमने मंगाई है फीड, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन सी फीड लेके आई है। परीन तुम्हें दिखा रही है, दिखाओ जरा फीड, ये वाली फीड हमने मंगवाई है, फ्लफी नाम है इसका। यार फीट के अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। हमारी नन्नू भी ऐसी है ना, हाँ, ऐसी है नन्नू भी तो ये, और वो ना छुप गई है, छुप गई है, किधर छुपा के रखा तुमने उसको? ढूंढ ढूंढ के हम थक गए हैं, सुबह से हम उसे ढूंढ रहे हैं। एक दफ़ा हमें पता लगा वो स्टोर रूम में पेटी के नीचे घुसी हुई थी, फरीन और मम्मा और उन्होंने मुझे सुबह सुबह उठा दिया, उठो मिल नहीं रही मट्टो, नहीं मिल रही मट्टो, नहीं मिल रही। देखा तो मट्टो वहाँ थी, अब मुझे पक्का पता है वो मेरे बेड के नीचे होगी, लेकिन फरीन नहीं मान रही कि तेरे बेड के नीचे। बहरहाल हमने उसका खाना यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया, ये यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि इसकी जो प्लेट है ना वो गंदी हो रही है, इसलिए हमने ना नन्नू के उसमें डाल दिया ये वाली। और ये हमारा नन्नू है, हमने अपने नन्नू को थोड़ी देर के लिए बंद करके रखा है, ये मिट्टू को थोड़ी देर के लिए हमने इसको बंद कर कर हमने ना इन तीनों की ना दोस्ती करवानी है। गाइस हम ना इन तीनों की दोस्ती कराना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं बड़ी की, मट्टो की और हमारे नन्नू की, ना तीनों की ना दोस्ती हो जाए बहुत ज़्यादा अच्छी वाली। तो ये तीनों ना इकट्ठे घूमे फिरे नाचे गए। तो सुबह सुबह मैंने ना बड़ी को ना, बड़ी को जो है ना वो अपनी मट्टो दिखाई, बड़ी इतनी ज़ोर ज़ोर की भौंका तो ना मट्टो तो डर गई, और वो जब से डरी है ना वो जब से मेरे बेड के नीचे घुस गई थी उसके बाद से वो बाहर नहीं निकली। और ये मेरा नन्ना बच्चा, शरारती बच्चा, इसका तो तुम लोगों को सबको पता ही है ना, ये देना बड़ी चुंगू दे दो बड़ी बड़ी बड़ी, बिल्कुल नहीं सुनता गाइस ये मेरी बड़ी, इधर आओ माँ बस, क्योंकि फरीन इसके साथ खेल रही है और फरीन ने मुझे चैलेंज किया है कि मैं इसको बुला के दिखाऊं। अब फरीन को पता है क्योंकि मैं, वो उसके पास चीज़ है खाने के लिए, बिस्किट है, अब वो कुकीज़ का दीवाना है मेरा बच्चा, मैं उसको मना करती हूँ कि मीठा ना दिया करो मेरे बच्चे को, लेकिन उसे मीठे का भाई दीवाना है, उसे मीठा बहुत पसंद है। देखो जरा भाई, आज मैं आपको मीनू की और फरीन की और बड़ी की फाइट दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही फ़नी और बहुत ही मज़ेदार होती है, तुम लोग सोच नहीं सकते। इसकी फ़ाइट कराने में मुझे बहुत मज़ा आता है, दुनिया में इससे ज़्यादा मज़े की बात नहीं हो सकती। मुझे भी दिखा ये वाला बिस्कुट, मैंने नहीं खाया, ये रात तो रात खत्म होने वाला, लख दी लानत। देखा देखा ओए हो 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 हो, फरीन मार ना, मारना अलाउड नहीं है मेरे बेटे को। गाइस फाइटिंग हो रही है, फाइटिंग हो रही है, और मैं हमेशा कमेंट्री करती हूँ, और ये बड़ी यहाँ से आया और परीन ने उसको जूती से मारा और जूती नहीं लगी तो परीन उधर से आई और बड़ी इधर से आया, लेकिन बड़ी परीन से ज़्यादा चाहते रहे और परीन है एक बेचारी लेजी बच्ची, और ये बड़ी और ये परीन आ गई मुझे यहाँ पे मारने के लिए, और परीन ने मुझे दिया कुकी और मेरा बड़े आ गया, लड्डू बड़ी इधर आओ, बड़ी इधर आओ, बड़ी ये लो कुकी खा लो। परीन थक गई है, परीन फुल टाइम थक गया, लेकिन मेरा बड़ी नहीं थका, इतना मारा इसने मेरे बच्चे को, इतना मारा बुगू। पनीर उसको लग जाएगी, आंखों में लग जाएगी, कल सिखाया था आज भूल जाए, रोज उसकी ट्रेनिंग करती है रोज वो भूल जाता। अगर उसके कहीं लग गई ना ये डंडी, बहुत मारूंगी तुझे,
उठा के लाओ दो उठा के लेके आओ ना ओ जल्लो यार सुन जोर की मार ना भरी नहीं ना मारी बहुत जोर की लग जाएगा यार ना मार ना मार ना मार मेरा बेटा हाँ मामा की जान यार बहुत मारती मेरे बच्चे को देखना उसको ना इससे इसको छेड़ छूट के मेरे पास आ जाते मेरा बच्चा है ये मेरी चीकी पीकी बच्ची है मेरा चीकी पुकू बच्चा है आ जा बढ़िया आ जाओ बढ़िया आ जाओ उसको शदीद प्यास लग गई है भाग भाग के पानी दे दे उसको पानी दे 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 पानी हाय मेरे बच्चे को पानी दे दे पानी देना उसको फरीन दे दे बड़ी मेरे पास आ जा मैं अपने बच्चे को पानी दे दी इधर आ तो है मेरा लेकिन नकाबलों पर दाग पड़ जाए बेटा ये मेरा बेटा बेटा पता नहीं क्या करता रहता मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई क्या करना चाहता है क्या कहना चाहता है तो गाइज़ ये मैंने लिया है कुछ पानी बड़ी को मैं देने वाली हूँ ये ना और ये मैंने लिया मल्टीविटामिंस जो उन्होंने बताया था ना तो ये मैं एक स्कूप इसको देने वाली हूँ बड़ी को देखते हैं पीता कि नहीं पीता तो गाइज़ पानी एक ना कुछ येलो येलो सा हो गया मैंने इसको मिक्स कर दिया अब मैं ये बड़ी को देने वाली हूँ देखते हैं बड़ी पीता है कि नहीं पीता है पी लो बेटा पी लो ये पानी पी लो मेरा बेटा वाओ पी लिया यस 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 आई एम सो हैप्पी गाइस मेरे भाई ने मुझे बताया था कि जब बड़ी को डॉक्टर ने बताया कि जब बड़ी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो ना यानी जब वो तुम्हारे साथ भाग रहा होता है खेल रहा होता है उसको फौरन बाद ना बड़ी को क्योंकि हमारा इलाका थोड़ा गर्म है और बड़ी देख लो एक ठंडे इलाके में रहने वाला जानवर है तो उसको बहुत प्यास लगती है बहुत ज़्यादा गर्मियों में तो भाई इतना पानी पीता है ये उसको गर्मी लग रही होती है बहुत ज़्यादा और बहुत एसी वाले कमरे से बाहर आते ही मतलब अभी कमरे से बाहर भी नहीं आता शुरू हो जाता है तो अभी देखो ये कैसे पानी पी रहा है इसका मतलब इसको इसका टेस्ट अच्छा लगा या फिर ये बात है कि इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी क्योंकि फरीन के साथ बहुत ज़्यादा खेला तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इसने पी लिया है माशाल्लाह से मुझे लगा था मुझे बहुत जतन करने पड़ेंगे इसको पानी पिलाने के लिए बहुत ज़्यादा खेलना कूदना पड़ेगा इसके साथ ये वो लेकिन माशाल्लाह मेरा बच्चा बड़ा समझदार है मेरा बेटा बड़ा ही पारा सा बच्चा है मेरा गुगू सा बच्चा है तो गाइस ये ना बड़ी ना मेरी ना बहुत सारी बातें मानता नहीं है तो मैंने ना एक ऐप देखी है मैं उसके ऊपर पूरा व्लॉग बनाने वाली हूँ वो ऐप ऐसी है ना उस ऐप के ऊपर ना मैंने देखा कि उस ऐप में जो भी बात करोगे ना वो उसको ट्रांसलेट करके ना पेट के आपके पेट को बताएगा और आपका पेट वो फॉलो करता है तो हम ना नेक्स्ट व्लॉग बनाने वाले हैं मैंने सोचा था मैं उसके ऊपर पूरी यानी मैं पूरा देखूंगी यार वो कैसे क्या मेरा वो ऐप सही काम करती है या नहीं करती क्योंकि बड़ी तो भाई कहना मानता ही नहीं मेरा और मैं एक अच्छी ट्रेनर नहीं हूँ बिल्कुल मेरे अब्बू होते तो वो उसको बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं बट अब ये देखो अब ये भाग रहा है ना मैं से बोलूँगी आ जा नहीं आया बड़ी कौन नहीं आया ना तो ये मेरा कहना नहीं मानता ये बहुत बुरी बात है लेकिन अब नहीं मानते तो क्या करें बच्चे तो ऐसे ही होते हैं अभी तो मेरे बेटा छोटू सा है ना बहुत छोटू सा है मेरा बेटा इसने पीछे करने इधर आओ पिशू चलो बड़ी ऊपर आओ शरारती इंसान दुनिया का सबसे ज्यादा शरारती तू ही है मुझे लगता है
पीछी कर ली है, गंदे बच्चे ने पीछी कर ली है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर। और हमारी मानो बिल्ली जो है ना वो गुम हो गया गाइस, मैं इतनी टेंशन में हूँ। फनीन ने उसे ढूंढा ढूंढा, फनीन इतना ढूंढ ढूंढ के थक गई थी कि सो गई है। अब मैं उसे ढूंढने के लिए निकल रही हूँ, साथ मिलकर उसे ढूंढते हैं। वो मैंने काम भी करना, वो मिली नहीं, इतनी क्या उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मैं उसको बड्डी के पास ले गई थी, वो डर गई। अब वो डर गई और वो घुस गई है कहीं पे। पहले मेरे बेड के नीचे बैठ गई थी, मैंने कहा चलो ठीक है नॉर्मल होगी तो मैं उसको बुला मतलब निकाल लूँगी, लेकिन वो मेरे लगता है अभी तक नॉर्मल ही नहीं हुई, या तो वो सो गई होगी। वो बहुत सोती, इतना भी नहीं रही थी खैर, लेकिन पता नहीं कहाँ छुट गया है। अब उसे ढूंढते हैं। A few moments later. ये देखो कहाँ बैठ के सो रही है, ये स्टोर रूम में घुस के, स्टोर रूम में घुस के सो रही है गाइस। मुझे पक्का यकीन था ये कहीं नहीं होगी, तो ये यहाँ मिलेगी। मानो बेटा इधर आओ, मुझे पक्का यकीन था। मैं फनीन से कब से कह रही हूँ स्टोर रूम में होगी, स्टोर रूम में होगी, मानती नहीं है। मैंने एक जगह देखा और मुझे नज़र आ गई है। मुझे पक्का यकीन था ये स्टोर रूम में घुस के सो रही होगी, क्योंकि बाकी सारे कमरों में तो फनीन के कमरे में फनीन होती है, मम्मा के कमरे में मम्मा होती है, फिजान के कमरा ऊपर है ये ऊपर जाती नहीं है, और भाई का कमरा जो है वो बाहर है, तो बाहर तो ये बिल्कुल नहीं निकलती, इसको वैसे ही इतना डर लगता बड़ी से, तो ये यहीं पे होती ना स्टोर रूम में, तो ये स्टोर रूम में ही मिलनी थी मुझे। और ये देखें गाइस बेचारी कैसे गंद में घुस के सो रही है। नन्नो इधर आओ, सारे आपके खराब हो जाएंगे, मट्टी लग जाएगी, इधर आओ मेरा बेटा। तो चलो गाइस अब इसको डिस्टर्ब नहीं करते, जब ये उठेगी, खाना तो मैंने इसका फरीन ने इसका डाल ही दिया है, जब ये उठेगी तो ये खुद ही खाना खा लेगी, ना कि ये कि मैं इसको डिस्टर्ब करूं बेचारी को। तो अब बड़ी देखो ज़रा कैसे देख रहा है, बड़ी क्या बदतमीजी है, आपको मानो बिल्ली चाहिए तो मानो बिल्ली से आपने दोस्ती करनी है, ठीक है। इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।